ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राफाइल विमान अब अंबाला एयरबेस में पहुंचने वाले हैं। मुंबई से अंबाला की ओर आ रहे हैं राफाइल विमान और वहां पर एयर चीफ मार्शल पहले से ही मौजूद हैं, जो स्वागत करेंगे इस बेड़े का। वो ऐतिहासिक लम्हा अब बहुत करीब है जब थोड़ी ही देर में अंबाला एयरबेस में लैंड करेगा राफाइल, वो विमान जिसके दमखम पर हिंदुस्तान की वायुसेना ये दम भर पाएगी पूरे क्षेत्र में कि हम अति आधुनिक हथियारों से लैस होकर अपने भारतीय आसमान की निगहबानी कर रहे हैं। भारत पहुंचे राफाइल की पहली तस्वीरें आप इस वक्त आज तक पर देख रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पांचों राफाइल विमान एक साथ और जल्दी से एक बार मंजीत से इस पर कमेंट ले लेते हैं। मंजीत, हम दिखा रहे हैं पांच विमान हैं, क्या उन्हें एस्कॉर्ट करके दूसरे विमान के साथ लाया जा रहा है? अंजना, ये तस्वीर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से ट्वीट की गई है और ये उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि पांच राफेल लड़ाकू विमान भारतीय सरहद में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर ये तस्वीर उनकी तरफ से ट्वीट की गई है और उसके बाद अब खुद वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया अंबाला एयरबेस पर मौजूद हैं, जो इस बात को दिखाता है कि अब किसी भी क्षण जो पांच राफेल लड़ाकू विमान हैं वो भारतीय अंबाला जो एयरबेस है वहाँ पर पहुँचने की तैयारी, उतरने की तैयारी है। जो समय रखा गया था 2:10 के आसपास का समय, लगभग उसी वक्त के आसपास से पहुँचेंगे और अभी किसी भी क्षण अंजना पांचों राफाल लड़ाकू विमान ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह की अगुवाई में वहाँ पर उतरेंगे। अभी एक घंटे पहले की बात करें तो वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया दिल्ली में मौजूद थे, तैयारी इस बात को लेकर भी थी कि अगर मौसम खराब होता है तो जोधपुर में भी वो जा सकते हैं, लेकिन अब वो खुद वहाँ पर मौजूद हैं तो ये इस बात को दिखाता है कि अब राफाल किसी वक्त पहुँचने वाले हैं। जहाँ तक जिस तरह से अरब सागर में जब पहुँचे थे उसके लिए नौसेना की किस तरह की तैयारी थी, नौसेना के जो जंगी बेड़े थे INS कोलकाता जैसे, वो अरेबियन सी में मौजूद थे, उन्होंने उसका स्वागत किया। उसके बाद भारतीय सरहद में भारतीय वायुसेना के जो और विमान हैं वो उनको स्कॉट करते हुए यहाँ तक लेकर पहुँच रहे हैं।